तो तू शुरू कर, मैं कुछ खा के आता हूँ तब तक। ऊपर भी नहीं दिख रहा है। ये क्या है? अरे ये देखना, ये देख। साला काम भी नहीं करने देता। मेरे साइज का भी तो कंपनी भी नहीं है। खेल रहा है। बोरियां निकाल, बोरी दे दे। ये बोरी निकालना। आने दे, एक एक करके आने दे। इतनी मेहनत से चोरी करके थके हारे आने पर अगर कुछ ढंग का खाने को नहीं दिया तो वो चिल्लाएंगे, बेचारे। खाना पीना नाचना गाना, यही तो जिंदगी है भैया। अरे वाह, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अपन तो बस ऐसे ही है भाई। कुछ लोग तो चाट के भी खा लेते हैं, भिखारी साले। उफ, बिल्कुल ठंडा है तो। चल बंद हो जा। माइक्रोवेव अवन है का? ये तो रहा। खाने का, पीने का, हंसने का, रोने का, गाने का, नाचने का, अपन है मुंबई। कसका है मरा है, अपन है मुंबई। यहाँ क्या है? खंडाला जाने का है, कोई लेके चलो। अरे वाह, क्या बात है। रेड लेबल, रेड लेबल। बड़े मजेदार लोग हैं, आज तो टाइम पास हो जाएगा। जहां बना, हमारे खाने के स्वाद से कम है ये, मगर जब पता चला कि ये सिंगापुर आते जाते हैं तब मुझे पता था कि कुछ ना कुछ होगा, मगर रेड लेबल का तो मैंने सोचा नहीं था भाई। नहीं, मिलावट हो जल्दी आ। भाई साहब, चुपचाप रह, काम खराब कर देगा तू। चुपचाप बैठ, चुपचाप बैठ। अबे ये नहीं चाहिए कि तुझे, ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए क्या? अबे बे बे, वो जल्दी दबा के निकलने को देख। के मैं हेरा तेरा। वो थोड़ा किस पुलिस 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 जल्दी जल्दी बे, जल्दी बस, मत जाना वहाँ पे, जल्दी बात जल्दी आ जा। पुलिस वालों को और कोई काम धंधा नहीं है क्या? गणेश भैया, गणेश भैया, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ बेटी, क्या हुआ, क्या हुआ, बोल। पुलिस, बंदूक, गोली। बेटी, हमने चोरी बंद किए बहुत साल हो गए, तेरी माँ को जबान दिया था ना हमने, फिर भी। ऐसा कुछ नहीं है, अभी कोई चोरी नहीं कर रहा ना, सब मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं। शांति को पता है मार्केट का नंबर वन दुकान है राजास का होटल। हाँ बेटा, पहले दादाजी बोला करते थे ना, एक इडियन मत आई एसआई के बारे में, वो अब हमारा कस्टमर है। कितना प्यारा बंदा है पता है,
उन दिनों कितना मारा था उन्होंने हमें। अब तो मुफ्त की रोटी और घोष्ट खाकर अपना काम चलाता है। वही है किस्मत, जिस हाथ से मारा उसी से कर्म कराओ। कर्म तो मरने के बाद करते ना। तो फिर वैसे ही रहने दो। बेटा तुम गायत्री मंत्र जप कर सो जाओ तो बुरा सपना नहीं आएगा, ठीक है? मास्टर जी, डॉक्टर बोल रहे हैं कि अगर और डिले किया शांति का ऑपरेशन थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। जानता हूँ भाई, 10-15 हजार तो कहीं से ला सकते हैं। अब 1.5 लाख रुपए चाहिए। पहले तो कहीं डाका डाल लेते। मास्टर जी, अगर शांति के लिए एक और बार तोड़ ले तो। समय खत्म हुआ। 370 घरों में चली वो यात्रा आज खत्म हुआ। उसकी माँ, मेरी बेटी को आखिरी सांस लेने से पहले मैंने उसे जबान दिया था, मैं उसे तोड़ नहीं सकता। आइडियल कपल का फाइनल शुरू हुआ है। पहला प्राइस 25 लाख रुपए है। 2011 के आइडियल कपल चुने गए हैं मिस्टर नंबियार और मिसेस सोफिया नंबियार। कंग्रेचुलेशंस लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर केपी नंबियार एंड मिसेस सोफिया नंबियार। मैंने पहले ही बोला था ना कि अवार्ड इनको ही मिलेगा। छोटे छोटे बातों के लिए आज जब घरों में झगड़ा होता है तो ये दंपति के बीच कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ प्यार है। इन्हें हमारे समाज का एक उदाहरण बनाएं। पति पत्नी एक घर के जड़ और दीवार हैं। आपस के कंपटीशन से लोगों को आकर्षित किए इस दंपति को मिल रहे हैं ग्लेन लैब स्पॉन्सर कर रहे 25 लाख रुपए हैं। इसे देने के लिए ग्लेन लैब्स एमडी अगर मेरी बीवी होती तो मैं भी एक बार ट्राई कर लेता। सबसे बकवास फैमिली को पहला प्राइज मिलेगा। चल भागिया से, हट के बैठ। एक दिल दो जान था हमारा, पता है तुम्हें? सारे रिश्तेदार देखते रहे। 50 तोला चोरी किया है उसने, पता है? आप ही के लिए बनी थी वो। आखिर में सर्कल मेरी के आगे झुक गई वो। वो भी किस्मत है भाई। उस बंदे ने क्या हाथ मारा, 3 महीने में चल बसा। हाँ बस बस, अभी बस करो। ये दोनों इस 25 लाख का क्या करेंगे? ये पैसा मेरी माता पोर होम को हम दे रहे हैं। हमारे बच्चे नहीं है। वो है हमारे बच्चे। उन्होंने इन पैसों को मेरी माता पोर होम को डोनेट किया है। उसमें से 2 लाख मिल जाते तो शांति बेटी का ऑपरेशन करवा देते। आप लोग सोचेंगे तो मिल जाएगा। वो कैसे बे? उस मोटे को किडनैप करोगे तो जितने करोड़ चाहिए नंबियार दे देगा। अंडे से निकला नहीं पर मारने लग गया चूजे, और अभी से तुझे किडनैपिंग का आइडिया आया है। चल जा दीदी की मदद कर। चूजा। बड़े चोर आए हैं, दिमाग भी तो नहीं है इनका। मास्टर जी, उसके कहने पे भी बात है, चोरी ना करने की वादा दिया था, किडनैप तो कर सकते। तू चुप जा बैठ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, वो कहां रहते हैं वो पता करते हैं। भाई साहब मन लगाएंगे तो उनकी माँ को भी उठा सकते हैं। वो सब तो ठीक है, बहुत जमाने पहले एक तेलुगु मिनिस्टर की बेटी को उठाया और कोडूरु ले गया था, वो मैं ही हूँ। वो उस जमाने में। ऐसा कुछ नहीं, आज भी हो सकता है साबत, सोचे तो। हाँ ठीक है ठीक है, तुम अभी अपने दुकान में जाओ, धंधे का टाइम हो गया। क्या देख रहा है? चल, बहुत सारा काम पड़ा है, चल उठ, चल निकल। भैया पुट है का? ओए वासु, हाँ पुट रेडी हो गया क्या? अभी हो जाएगा, पहले सिर्फ ताला तोड़ना है, अब खाना बनाओ। अच्छी खासी नौकरी थी मेरी, वो छोड़कर रोटी बनाओ। बकवास बंद कर और पुट्टी जाके दे। रोटी बनाने के लिए टाइम लगता है, जरा रुको।
ये रोटी बनाने वाले को मारना चाहिए। ये थोड़ा जल्दी कर रे। पूछ रहा हूँ ना, अभी ठीक करता हूँ ना।